पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संभल में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े एक शख्स ने घर में घुसकर महिला की धारदार हथियार से गला रेत दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं अस्पताल में महिला मौत और जिंदगी से जूझ रही है। पूरा मामला यूपी के संभल जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी का है, जो कि शहर का रिहायशी इलाका माना जाता है। बता दें कि दिन दहाड़े एक शख्स ने एक महिला की धारदार हथियार से गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए, जिससे खून से लथपथ महिला फर्श पर गिर पड़ी। घटना उस समय हुई जब महिला घर पर अकेली थी और आरोपी युवक ने दरवाजा खुलवा कर घटना को अंजाम दिया। शोर शराबा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि आस पड़ोस के लोगों ने आरोपी का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं लगा। इस बीच आनन फानन में महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस तरह की एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी घटना है कि किसी महिला पर इतनी बुरी तरीके से अटैक किया गया है। इससे पहले 10 साल के एक बच्चे पर भी जानलेवा हमला बोला गया था, जिससे बालक के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया था। वही एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी वारदात से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक पकड़ पाती है, या फिर आरोपी इसी तरह घटना को अंजाम देते रहेंगे। अनिल कुमार, यहाँ घटना ये हुई कि जब मैं आंगन में था, ये साथ वाला मेरा घर है, बचाओ बचाओ की आवाज आई, मैं भागा हुआ गया तो ये लेडी बड़ी बुरी अवस्था में खून से लथपथ खड़ी हुई थी, बचाओ बचाओ। अब ये तो पता ना, कोई लड़का ही आया, वो तो सुनने में आया कि ढाटा बांधा हुआ था, उन्हें पाठ करने के इरादे से आया क्या आया, और वेपन जो था वो चाकू का यूज था, और वो भी घरेलू था, वो अपने घर से लाया या इनके चिकन से निकाला, कुछ जानकारी नहीं। इंद्रपाल सभासद, वार्ड नंबर 11। ऐसा था, आज सुबह यहाँ पर कोई महिला ही बेचारी यहाँ पर अकेली थी घर पर, कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, दरवाज़ा खुलवाया उनने, तो अंदर जाके उस महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला वो अचानक अंदर जाके घुस गया, उससे उनने चाकू से उसको बाहर कर दिया। कहाँ मारा चाकू? उसके गर्दन पे बाहर करा उनने, और बाहर मार करके वो सारे इस गली में को पार हो गया। वहाँ पर लोगों ने कुछ ने उसका पीछा भी करा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। एक ही व्यक्ति था वहाँ पर, जाके हमने जानकारी निकाली गली में कि भाई आप यहाँ पर किसी ने देखा भागते हुए, तो वो लोग बोले हाँ भागते हुए गए थे, लेकिन उसके साथ में एक बाइक वाला भी था। तो क्या किसी ने कहा घर में कुछ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था? घर में किसी तरह की लूटमार कुछ नहीं करी है, सिर्फ उनने चाकू मार के उसको महिला को बुरी तरीके से उसकी हालत, यहाँ पे मोहल्ले में बहुत डर पैदा हो रहा है, महिलाएं घर से निकलना दुश्वार हो गया, बच्चे डर से स्कूल नहीं जाना पसंद करते, क्योंकि इससे पहले एक घटना बच्चे के साथ में हुई है सूरज प्लाजा के बीच, आज शनिवार का दिन है, आज ही के दिन ये घटना वहाँ पर हुई थी। तो वहाँ पर वो लड़के को मैं भगत पे मौके पर पहुँचा था, तो मैंने उस बच्चे को हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद क्या भर्ती कराया। देखिए, इसमें ये सेठों वाली गली में एक घर में किसी अज्ञात युवक द्वारा जो है पहले घंटी बजाकर, फिर जो वहाँ पर उस घर की निवासी हैं मंदिरा टीम के साथ चाकू मारकर उनको घायल किया गया है। इसमें मोहल्ले वालों ने ये बताया कि पहले घंटी बजाने के बाद वो युवक घुसा, और उसके बाद उसने महिला को अंदर चाकू मारे, घर में कोई और व्यक्ति नहीं था। जब वो भागा तो कुछ लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन उसको न पकड़ पाए और उसको पहचाना भी नहीं है। इसमें अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है, पुलिस द्वारा इस युवक को तलाश किया जा रहा है। अभी तक ये मतलब कोई नाम नहीं आया है, न किसी को पता है, तो पुलिस द्वारा ये तलाश किया जा रहा है कौन युवक है। शीघ्र ही उसको जो है पता करके इसमें कार्रवाई की जाए, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके उस व्यक्ति को तलाश किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा घटना की जाने की संभावना है उसके विरुद्ध।